नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ कोड में आपका स्वागत है। महाभारत में सभी किरदारों का अपना ही एक इतिहास है। सभी किरदारों के सभी कार्यों के पीछे कुछ ना कुछ कारण थे। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बताएंगे शकुनी मामा के समस्त कार्यों के पीछे की मंशा और कारण बताने का प्रयास करेंगे। महाभारत में सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि क्या शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी गंधार के राजा सुबल के पुत्र और गांधारी के भाई थे, रिश्ते में दुर्योधन के मामा थे। महाभारत युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह शकुनी ही थी। शकुनी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। वे गहरी सोच रखने वाले और दूर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के दौरान उसके पहले भी शकुनी कौरवों का बहुत साथ देते थे। वे अपने बहुत बड़े हितेशी और सलाहकार होने का दिखावा करते थे, परंतु शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। दरअसल शकुनी धृतराष्ट्र और उसके वंश का अंत चाहते थे। वे चाहते थे कौरवों का अंत हो जाए, इसलिए शकुनी पांडव से कौरवों का युद्ध करवाया। उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि कौरव पांडव से हार जाएंगे। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजह थी। पहली, उनकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे आदमी धृतराष्ट्र से होना। हस्तिनापुर के राजा ने गांधार के राजा को हराया था, जिस वजह से गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा। पति के अंधे होने की वजह से गांधारी भी दुनिया नहीं देखना चाहती, और उन्होंने एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी नहीं देखेंगे। शकुनी अपनी प्यारी बहन की कुर्बानी से बहुत क्रोधित, मगर वह उस समय कुछ कर ना पाए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह इस अपमान का बदला जरूर ले, और तब से शकुनी कौरवों के शत्रु बन गए। शकुनी की दुश्मनी दूसरी वजह से उनके पिता का अपमान था। दरअसल गांधारी के विवाह के पहले उनके पिता सुबल को किसी पंडित ने बोला था कि गांधारी की शादी के पश्चात उसके पहले पति की मृत्यु हो जाए। इस बात से चिंतित राजा सुबल ने उसकी शादी एक बकरे से करवाई। उसके बाद उस बकरे को मार दिया गया। इस तरीके से गांधारी एक विधवा थी। ये बात सिर्फ सुबल और उनके करीबी जानते थे। इस बात को किसी को न बताने की हिदायत सबको दी गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हो गई थी। धृतराष्ट्र और पांडव इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक बकरे का विधवा है। कुछ समय पश्चात ये बात सामने आई। धृतराष्ट्र और पांडव को इस बात पर बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने लगा राजा सुबल ने उनके साथ धोखा किया, अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। धृतराष्ट्र उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। धृतराष्ट्र राजा सुबल से अपने रिश्ते का भी मान नहीं रखते। राजा और उनके परिवार को रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे, जिसे वे मिल बांट के खा लेते थे। दिन बीतते गए और राजा सुबल के पुत्रों में से एक की मौत भूख के कारण होती गई। तब राजा सुबल सोचने लगे कि इस तरह वह अपने वंश का अंत नहीं होगा। धृतराष्ट्र के प्रति गुस्से के चलते सुबल ने निर्णय लिया कि वह अपने हिस्से का भोजन का त्याग करें और किसी एक को दें, जिससे उनमें से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी के अपमान कष्ट का बदला ले सके। शकुनी उन सभी भाइयों में छोटा था, इसलिए सुबल ने निर्णय लिया कि सभी शकुनी को अपने भोजन देंगे। शकुनी अपने पिता के इस निर्णय के विरोध में, उसने अपने पिता और भाइयों को इस तरह तड़पने नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के चलते उन्हें यह बात माननी पड़ी। इसी कारण शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। समय बीतता गया और राजा सुबल भी अब कमजोर होते गए। इस दौरान उन्होंने धृतराष्ट्र से एक आग्रह किया। उन्होंने अपनी माफी मांगी और अपने पुत्र शकुनी को माफ कर जेल से बाहर निकालने को कहा। यह भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्र कौरवों के साथ रहेगा और उनका हितेशी रहेगा। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर की इस आखिरी इच्छा को मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर से ले आए। राजा सुबल ने इस बात के साथ ही अंतिम सांस ली, जिसे शकुनी कौरवों का शत्रु बन गया। मगर मरने से पहले सुबल ने अपने पुत्र शकुनी से कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डियों से ऐसे पासे बनाना जो उसकी इच्छा के अनुसार अंक दिखाए। यही पासे शकुनी ने पांडव और कौरवों के बीच हुए खेल में उपयोग किए, जिसमें युधिष्ठिर अपने चारों भाई और पत्नी द्रौपदी को हार जाते और द्रौपदी का चीर्ण हरण होता है। यही खेल महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण था। राजा सुबल चाहते थे ये पांसे धृतराष्ट्र और उनके वंश के अंत का कारण बने, और यही हुआ। शकुनी ने इन्हीं
500 के द्वारा महाभारत युद्ध कर राजा सुबल ने शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया था ताकि उसे अपने पिता का यह वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान कभी ना भूले। शकुनी अपने पिता के वचनों के अनुसार 100 कौरवों के शुभ चिंतक बने रहे, परंतु असलियत में शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में ले लिया कि वे उनके सबसे बड़े हितेशी हैं। साथ ही शकुनी उनके मन में हमेशा से गलत बात डालते रहे और गलत सीख देते रहे। शकुनी जानते थे कौरव पांडवों को पसंद नहीं करते, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। इसी बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के सबसे बड़े जिम्मेवार शकुनी ही थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और गलत बात कर बीज बोते गए। शकुनी भी महाभारत युद्ध का हिस्से थे। उनकी मृत्यु कुंती पुत्र सहदेव के हाथों हुई। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।